हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग पवन प्रीत शिवानी आकांक्षा खुशबू वेरी गुड इवनिंग सो टुडेज टॉपिक इज़ वो कैब यूसेस कुछ बड़े अच्छे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी भी आपकी जो नेक्स्ट बैंकिंग अचीवर्स बैच आ रहा है कंप्लीट बैच जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है वो शुरू हो रहा है एटीनथ अप्रैल से और कल सैटरडे से इस बैच के अंदर एनरोलमेंट आपकी शुरू होंगी राइट सो इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बैच आपकी सारी जरूरतें जो है वो पूरी कर देगा चाहे वो आर है आई बी पी एस एस कोई भी एग्जाम क्लरिकल के लिए हो या पीओ के लिए हो सब कुछ इस बैच में कवर होने वाला है यानी जो पांचों एरियाज हैं जबकि आपको पता है प्री में तीन एरियाज होते हैं मेन्स में पांचों एरियाज हैं आपके लेकिन ये बैच कंप्लीट बैच है कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एक साल की है ठीक है यानी जिस दिन आप बैच में होंगे बैच शुरू होने से एक साल तक वो सारी क्लासेस आपके पास रहती हैं सो so चलिए अब बात करते हैं वो कैब की देखो वो कैब बेस्ड क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम्स में मिलते हैं जो कि खासतौर से आपके वो कैब की कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं जैसे आपने देखा होगा जो सिननीम एंटनीम के क्वेश्चन मिलते हैं हमें बाकी के एग्जाम्स के अंदर वो डायरेक्टली कई बार पूछ लिए जाते हैं जैसे आप एसएससी एग्जाम्स की बात करो सो यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस कि भाई व्हाट इज द सिनेम ऑफ दिस गिवन वर्ड एंड यू विल हैव फोर चॉइसेस बट इन बैंकिंग एग्जाम्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई वहां पे आपको सिनेम एंटनीम के क्वेश्चन जनरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में मिल जाते हैं यानी आर के क्वेश्चन में मिलते हैं और uh, वहां पे भी वो कॉन्टेक्चुअल पूछ रहे होते हैं वो लिख देते हैं कि भाई हमने कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया है और उन वर्ड्स की सिनोनिम और एंटनीम आपको बतानी है सो डेफिनेटली यू नीड टू रीड दैट सेंटेंस वेयर दैट वर्ड इज यूज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड देन ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड कि भाई इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा और एंटेम क्या होगा तो आज के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं इसमें क्या है कि एक वर्ड का इस्तेमाल एक सेंटेंस के अंदर हुआ है आपको अगर उस शब्द का मतलब नहीं पता एंड यू आर यू नो दैट वर्ड इज द फर्स्ट टाइम यू आर दैट पर्टिकुलर वर्ड बट स्टिल आपको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको आंसर करना है राइट सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड हां जी फिलर्स में आरसी में हर जगह पे कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्री सी अप्रोच आपने देखा था हमारे फिलर्स के क्वेश्चन में तो डायरेक्शन को पढ़ लीजिए फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स बिलो कॉन्टेक्शुअल यूसेज इज प्रोवाइडेड राइट यही टर्म जिसकी बात मैंने क्लास के शुरू में की पिक द वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्सट तो जैसे यहां पे आप देखो ये जेंटिलिटी शब्द है हो सकता है आप इस शब्द के बारे में जानते हो और यह भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड आप देख रहे हो बट आपको यहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल इस सेंटेंस में हुआ है राइट द ग्रेसियस कपल ग्रीटेडस विद जेंटिलिटी एंड नाउ यू हैव फोर च्वाइस रिफाइनमेंट डिस्पाइज स्मूदनेस एंड रॉयल्टी एंड ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड कि भाई इसमें कौन सा वर्ड जो है वो बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग रखता है जिस कॉन्टेक्सट में जेंटिलिटी इस्तेमाल हुई है टेल मी टेल मी वॉट डू यू थिंक किस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है बहुत आसान सा क्वेश्चन है वेरी इजी यू कैन ईजिली गेट द कॉन्टेक्स्ट ग्रेसियस कपल एलिगेंट कपल ग्रीटेडस जैसे आप किसी को जब मिलते हैं आप उससे हाथ मिलाते हैं उसको ग्रीट करते हैं तो आपका बिहेवियर किस तरह का होगा जेंटिलिटी के साथ आपने अब विद लगा हुआ है जेंटिलिटी यहाँ पे नाउन है डेफिनेटली प्रेपिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहां पर हम जा रहे हैं रिफाइनमेंट के साथ देखिए डिस्पाइज को तो आप ऑलरेडी एलिमिनेट uh, कर सकते हो बिकॉज डिस्पाइज करने का मतलब होता है आप किसी चीज से जब हाई डिग्री की घृणा रखते हैं जिसके लिए हमारे पास वर्ड है डिटेस्ट करना या लोथ करना या अभोर करना लॉट ऑफ वर्ड्स वी हैव सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पाइस इसका कोई लेना देना नहीं है यहां कोई रॉयल्टी वाला कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं जैसे जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स जो आपके जेस्चर्स होते हैं तो आप जब किसी को ग्रीट करते हैं जिस तरीके से आप शेक हैंड करते हैं जैसे मेरे स्पोकन वाले बैच के अंदर ये सारा एरिया मैंने कवर किया था तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी लेसन्स थे कि आप हाथ किस तरीके से मिलाते हो बराबर मिलाते हो या कुछ लोगों की आदत होती है जब किसी से हाथ मिलाएंगे तो ऊपर से हाथ रखते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट दिखाता है कि आप डोमिनेशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं एक डोमिनियरिंग एटीट्यूड है आपका या ग्रिप किस तरीके की कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ताकत दिखाते हैं हाथ मिलाते समय तो ना तो हाथ बहुत लूज रखना है ना तो बहुत दबाना है तो एक फर्म ग्रिप होनी चाहिए सो so एनी anyway, तो रॉयल्टी का कोई कॉन्टेक्स नहीं है रिफाइंड बिहेवियर जिसको हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी रिफाइंड पर्सनैलिटी जिसके लिए एक और बड़ा प्यारा शब्द आता है स्वाव इसको याद रखिए एस यू ए वी ई राइट वीई सुसनैलिटी क्लासी एलिगेंट रिफाइंड बिहेवियर तो ये यहाँ पे करेक्ट वर्ड है जिसके लिए आपके पास एक और शब्द आता है रूट वर्ड से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं वो लोग तो सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड है ना ये कहाँ से पैदा हो रहा है ये सॉफी रूट वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है विजडम एसओ पी एच वाई द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज विजडम और इसी से आपके पास शब्द आता है फिलोसफी जिसका मतलब होता है लव फॉर विजडम बिकॉज फिलो इज लव

जो इंसान सोफिस्टिकेटेड ना होते तो अनसोफिस्टिकेटेड तो हो गया एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट और कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हैं क्या पूछ रहे हो खुशबू आप बुक पीडीएफ सेंड कर दीजिए बिल्कुल मैं कर दूंगा अभी एक्चुअली वीक डेज में कई बार टाइम नहीं मिलता लगातार क्लासेस होती हैं तो मैं उसके लिंक बना करके आपको सेंड कर दूंगा जो भी मेरे बैंकिंग स्पेशल के स्टूडेंट्स रहे हैं खासतौर से टेन बैच अभी खत्म हुआ है तो मैंने आपसे वादा किया था तो वो हो जाएगा वीकेंड में हो जाएगा चलिए आगे बढ़े नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे सिद्धार्थ बिकोलिक वेरी गुड क्लास में वैल्यू एडिशन करना है हमें जहां भी सवाल पूछे जाएं जवाब देने की कोशिश करनी है सिद्धार्थ ने एक अच्छा शब्द बनाया है बताया है ऑपोजिट के लिए बिकोलिक ब यू सी ओ एल आई सी वो उसी सेंस में आता है जैसे आप कहते हो रस्टिक समवन हु इज नॉट रिफाइंड इन हिज बिहेवियर जिसके बिहेवियर में रिफाइनमेंट नहीं है ह्यू ही ह्यूड डाउन द ट्री एंड ट्रांसम्यूट वी कैन ट्रांसम्यूट हाइडल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर बताइए मुझे क्या लग रहा है यू विल हैव One minute for both the questions. Read out the sentence, get the context, and tell me. यर टाइम इज अपू डाउन द ट्री यहां पे क्या कॉन्टेक्ट से समझ में आ रहा है हो सकता है यू आपके लिए नया शब्द हो भाई कट के अलावा तो कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा कि उसने पेड़ को काट के गिरा दिया प्लांट तो बिल्कुल नहीं होगा प्लांटेड बिल्कुल नहीं होगा प्रूनिंग क्या होती है प्रूनिंग आप जानते हो ये बहुत बेसिक एक्टिविटी है गार्डनिंग की जहां पर आप काट छाँट करते हैं थोड़ी सी भी नए जो पत्तियां निकल रही नई डालियां निकलें वो प्रॉपर निकलें और अगर हम सप्लांटेड शब्द की बात करें सो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सप्लांटेड आप अगर कोई चीज सप्लांट कर रहे हैं यानी रिप्लेस कर रहे हैं उसको किसी और चीज से सो इफ वी टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड यू इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से कोई रॉक हो सकता है कोई वुड हो सकता है उसके एक बड़े पार्ट को वेन यू कट अ यू नो अ लार्ज पार्ट ऑफ अ रॉक और वुड और एनी हार्ड मटेरियल वहां पे हम यू का इस्तेमाल करते हैं so यहां पे सेंस कट करने का ही है अब आप देखो ट्रांसम्यूट शब्द है यहां पे इस वर्ड के बनने में दो रूट वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं एक तो म्यूट शब्द है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूट इ चेंज कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है और ट्रांस प्रिफिक्स के तौर पर इसका मतलब होता है बियॉन्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप शब्दों की झड़ी लगा देंगे ट्रांस का मतलब उस पार लाइक ट्रांसमिशन ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट ट्रांसग्रेशन ट्रांसमिशन सो ट्रांस का मतलब ही दूसरी तरफ होता है और म्यूट का मतलब चेंज तो so, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वी कैन ट्रांसम्यूट हाइडल पावर इन टू इलेक्ट्रिकल पावर यानी हम यहां पर हाइडल पावर को हाइड्रोलिक को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं सो दैट इज चेंज नथिंग एल्स राइट यहां पर चेंज करने का ही सेंस है मुझे म्यूट से कौन से वर्ड बता रहे हो आप कोरोना के लिए कोरोना वायरस जो है उसके लिए लगातार आपने कौन सा शब्द सुना है म्यूटेशन म्यूटेशन हो गया नाउन हम कहते हैं कोरोना का यह नया वेरिएंट है या म्यूटेंट है तो उसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं इसी म्यूट से शब्द आता है परम्यूटेशन जो आप मैथ्स में पढ़ते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहीं से आता है कम्यूट करना जब आप कम्यूट करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह ही तो जाते हो इसीलिए कंप्यूटर शब्द आता है जो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा रहा है तो ये सारे वर्ड आप कनेक्ट कर सकते हैं एक और अच्छा शब्द यहां पे नजर आ रहा है मुझे टॉर्ट टॉर्ट अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बेंडिंग करना किसी चीज को अब देखो डिस बात को गलत तरीके से मरोड़ रहे हैं शब्दों का मतलब निकालना बड़ा आसान हो जाता है रूट वर्ड के अप्रोच से अगर मैं अब आपको पूछूं कैन यू गिव मी कपल ऑफ वर्ड्स हैविंग एज रूट वर्ड क्या होगा वो बहुत अच्छे सपना ने ऑलरेडी बताया है दोनों वर्ड्स रोहित ने म्यूटेंट बताया है ट्रांसपासर ट्रेसपासर हाँ जी तो ये बहुत प्यारा शब्द है एक्सटॉर्शन टॉर्ट का मतलब एठन एक्स का मतलब एग्जिट जब एक्सटॉर्शन की बात आती है इसका मतलब जो आप होते हैं हाईजेकर्स होते हैं क्या आप फोन कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है इतना पैसा लेके पहुंच जाओ तो जाहिर तौर पे वो टॉर्ट प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को और उसको परेशान करके वहां से पैसे निकाल रहे हैं यहीं से रिटॉर्ट आता है एक्सटॉर्शन आपको पता लग गया इवन जो शब्द हमारा टॉर्चर है वो यहीं से पैदा हुआ है जब आप किसी को टॉर्चर करते हो तो जाहिर तौर पे उसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हो एंटने की कोशिश कर रहे हो और यहीं से शब्द आता है टारच भी कई बार वो टॉर्चरस और टारच में आपको कन्फ्यूज करते हैं जैसे टार्च्यूस रोड जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं बड़े घुमावदार रास्ते होते हैं बड़ी बेंडिंग होती है उसमें तो वहाँ हम टॉर्च्यूर्स का इस्तेमाल करते हैं गॉट इट एवरी आइए ये सब हम इस तरीके से यहां पे वोकैब के यूसेज को समझ रहे हैं अगला शब्द है कंपोर्टमेंट जजेट शुड कंपोर्ट देम सेल्व विद डिग्निटी एंड इट इज वैक्सिंग टू हैव टू वेट फॉर समबडी। दो वर्ड है यहां पे कंपार्टमेंट आपको पता है कंपोर्टमेंट कुड बी न्यू वर्ड टू यू टेल मी पढ़ के क्या समझ में आ रहा है क्या मतलब होना चाहिए हाँ जी थर्टी सेकेंड्स फॉर बोथ द क्वेश्चन नहीं पता है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे देखो भाई आ, यहां समझ में आपको आइए आ गया होगा जजे शुड कंपोर्ट देम सेल्व विद डिग्निटी यानी जजेस को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसी से ये जुड़ा हुआ है कि आप अगर जज हैं तो आपका बिहेवियर डिग्निफाइड होना चाहिए डिग्निटी के साथ होना चाहिए तो यहाँ हम बिहेव की ही बात कर रहे हैं आपको याद आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है कि देर आर सर्टेन वर्फ जिनके साथ रिफ्लेक्सिव लगता है और वो कौन सा वर्ब है जिसका हिंट यहां पे आ रहा है वो शब्द है अक्विट ए सी आई टी अक्विट का एक मतलब होता है किसी को आरोप से मुक्त करना जो सभी को पता है और अक्विट का दूसरा मतलब क्या होता है टू बिहेव इन सर्टेन मैनर दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू सो इफ अ जज आपसे एक उम्मीद है कि आपका व्यवहार इस तरीके का होना चाहिए तो अक्विट के साथ भी इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पे हम लगा रहे होते हैं और इधर भी देखें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगा लगा हुआ हुआ है क्योंकि है 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 क्योंकि तो तो उसके लिए तो छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। कि ग्रामर और वोकैब को ना सेपरेट करके देखना छोड़ दो आप आपको लैंग्वेज बेहतर करनी है और लैंग्वेज तभी बेहतर होगी जब ये दोनों एरियाज बेहतर होंगे बट so

तो आपकी लैंग्वेज पे कॉन् मतलब जो समझ के साथ ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप समझना शुरू कर दोगे बहुत आसानी से कंप्राइज रिलाई ट्रांसपोर्ट ऑल द वर्ड्स आर फ्रटी ईजी तो उसमें हम टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे वैक्स का क्या मतलब होता है इट इज़ वैक्सिंग टू हैव टू वेट फॉर समबडी तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर आपको किसी के लिए वेट करना पड़े तो वो प्लीजिंग एक्ट तो होगा नहीं तो बड़े खुश हो भाई क्या बात है वो इरिटेटिंग ही होगा तो लंबे समय तक इंतजार करना अगर घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही तो दैट वुड बी इरिटेटिंग ओनली प्लेक्सिंग आसान से शब्द यू आर फीलिंग परप्लेक्स यू आर फीलिंग बेविल्डर्ड कन्फ्यूज क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है वाला जो मामला होता है ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है डेफिनेटली एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस ओंट ये तो सबको पता है इस वोट का मतलब होता है विल नॉट बट ये वाले ओंट का क्या मतलब होता है डब्ल्यू एन टी ये वोंट जो है ये नाउन के तौर पे भी काम कर लेता है एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर लेता है वॉब के तौर पे भी काम कर लेता है मतलब इसका वही है कि जो आपकी एक हैबिचुअल बिहेवियर है कस्टमरी बिहेवियर आदत से मजबूर राइट right, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वोंट को कि भाई जैसे किसी को सुबह उठ करके अखबार पढ़ने की आदत है या कोई यह कह रहा होता है कि सुबह उठ के अगर मैंने चाय नहीं पी तो मुझे लगता है कि मेरे गले में खराश हो गई है तो इस तरह के जो लोग एक कस्टमरी बिहेवियर एक हैबिचुअल बिहेवियर उसके लिए हम वोंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप थोड़ा सा डिक्शनरी में समय खर्च करेंगे मैंने तीनों ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स का इशारा कर दिया है आप सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे चलिए अगला शब्द है राइफ और रूमिनेट मैं जरा इसको करेक्ट कर दूं यहां पे। ये रूमिनेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब बिल्कुल अलग होता है द वर्ड इज रूमिनेट साफ साफ दिख रहा है दैट द टाइप ऑफ मिस्टेक सो इट इज रूमिनेट स yes. हाँ जी रोहित वैक्स करने का मतलब था इरिटेट करना किसी को

सो so, ये रूमर से पूरा भरा हुआ था बाकी के शब्द आसान है इफ यू आर ससेप्टेबल टू समथिंग यू डू नो प्लाइबल अगर है तो वो फ्लेक्सीबल है ओरिजिनेटेड यू डू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनेटेड तो एक अच्छा शब्द कौन सा रूट वर्ड आता है जन्म के लिए जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई है दैट इज जेन जी ई एन इज बर्थ एंड वहाँ से बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं जैसे कोई चीज का ओरिजिनेशन जहाँ से हुआ ओरिजिनेट हुई उसको हम क्या कहते हैं जेनेसिस पॉइंट जेनेसिस पॉइंट यहीं से आपके पास शब्द आता है कॉन्जेनिटल डिजीज जन्मजात बीमारियां यहीं से आता है जेनेटिक्स राइट यहीं से जीन्स शब्द आता ये सारे वर्ड इवन होमोजीनियस एंड हैट्रोजीनियस कम फ्रॉम दिस रूट ओनली अगला शब्द है रोमिनेट्स ruminated ऑन द स्ट्रेंज इवेंट्स ऑफ लास्ट वीक आई थिंक बहुत आसान है pondered तो पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर किसी बात के ऊपर सोचना चिंतन मनन करना और पॉन्डर के साथ ओवर की जोड़ी बनती है राइट पॉन्डर ओवर सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड रूमिनेट रूमिनेट करना कॉन्टेम्प्लेशन शब्द हमारे पास आता है कॉन्टेप्लेशन चिंतन मनन करना एक और शब्द मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि पौंडर के साथ मैच करता है और होमोफोनस वर्ड में आता है दैट इज पैंडर हाँ जी कौन बताने वाला है पैंडर इज वर्ब पैंडर हो जाता है नाउन सो पैंडर करने का मतलब क्या होता है वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैंडर कौन बता रहे डेबलर का मतलब पूछ रही हैं सपना तो डेबलर पैंडर मींस फेरी लगाना ये कहां से पढ़ लिया कहाँ मिक्स कर देते हो दो चीजें फेरी लगाना बोल दिया तो बताना ही पड़ेगा फेरी लगाना पेडल होता है पैंडर नहीं होता हो ओ हो -ओ -ओ -ओ. कैसे कैसे क्रॉस कनेक्शन कर देते हो दिस पेडल इज नाउन दिस पेडल इज वर्ब इस पेडल का मतलब होता है हॉक करना फेरी लगाना और इसीलिए देखो आप जो टर्म एक सुनते हो ड्रग पेडलर्स ड्रग पेडलर्स तो जाहिर तौर पे जो ड्रग पेडलर्स होते हैं वो क्या करेंगे वो दुकान खोल के ड्रग तो बेचेंगे नहीं उन्हें पता होता है कि उनका पोटेंशियल बायर जो कस्टमर है वो कौन सी पार्टी में मिलेगा तो वो घूम घूम के बेचते हैं। वहां से ये टर्म आता है ठीक है सो द पेडलर मिक्स नहीं करना ये देखो ये दो वर्ड यहां पर भी कंफ्यूजिंग आते हैं मेडल का मतलब सबको पता होता है पदक एम ई डबल रियली मेडल इज वॉट दैट इज वर्ब तो अगर आप मेडलिंग कर रहे हैं यानी आप किसी के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं टू इंटरफेयर वर्ड्स को मिक्स नहीं करना होता चलिए तो पैंडर करने का, का मतलब होता है किसी के इंटेलिजेंट uh, एक्टिविटीज में किसी को जो सेंसुअल प्लेजर ले रहा है आप उस काम में उसको मदद कर रहे हो तो मदद करने वाले को इसीलिए पैंडर कह दिया जाता है यू आर मोर ऑफ अ फिलिटेटर ऑफ थिंग्स आर मीन्स With which someone can enjoy sensual pleasure. So that guy is called panderer. चि का मतलब चबाना फैंटेसी जानते हो आप एक शब्द जो यहां पे लिखा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं रूमिनेंट ये भी वर्ड एक्जिस्ट करता है और ruminant एक्चुअली जो हमारे बोवीन ग्रुप के एनिमल है ना उनके लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं बोवीन यानी बोवीन का मतलब होता है काउ लाइक एनिमल्स तो वो जानवर जो खाना पहले निगल लेते हैं एंड देन दे ब्रिंग अप फूड एंड च्यू दैट अगेन तो वो खाने को निकल लेते हैं फिर उसी खाने को अपने मुँह में लेके आते हैं दोबारा चबाते हैं और फिर निकलते हैं सो so, ऐसे इसीलिए तो वो आप देखते हो ना एक, एक कहावत भी है बी भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगोराए सो देट पगुरा इज वॉट वो च्यूइंग अप उसका कंटिन्यूसली चलता रहता है सो दो क्लास ऑफ एनिमल हु ब्रिंग द फूड अप एंड देन च्यू इट अगेन उन जानवरों को हम क्या कहते हैं दे आर कॉल्ड रूमिनंट तो यह भी शब्द है हमारा जो बोवीन ग्रुप के एनिमल्स हैं उनके लिए बोवीन मीन्स काउ लाइक आगे बढ़ते हैं एंड प्रॉब्लम द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे द इटालियन फिल्म वॉज डब्ड विद इंग्लिश डायलॉग एडिड को ना यहां पे ऐड कर देना ये टाइपिंग में सेटिंग में इधर आ गया है Vices were वोर एडेड scintillated एंड drained ऑफ किसके साथ जा रहे हो विच वर्ड आर यू गोइंग विद दोनों क्वेश्चन आसान है और देखिए नाइन्थ क्वेश्चन का तो अभी हमने वर्ड जो है वो डिस्कस किया है सो so भाई फिल्म की डबिंग होती है आप जानते हो जिसमें आवाज को ऐड किया जाता है बाद में सो दिस इज प्रेटी इजी ए इज द करेक्ट ऑप्शन द इटालियन फिल्म वॉज डव विद इंग्लिश डायलॉग एंड बाकी के सारे शब्द आसान हैं ड्रेंड ऑफ ड्रेनिंग आप जानते हैं और सेंटिलेटेड वॉट अ सेंटिलेटिंग परफॉर्मेंस सो दैट इज एक्साइटेड सेंटिलेटेड इज एक्साइटेड वोंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि वोंट का मतलब हैबिचुअल बिहेवियर है और इसीलिए मैं ये बार बार गुजारिश भी करता हूँ कि वेदर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन synonyms आर antonyms आर एनी ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स वेर यू हैव मल्टीपल वर्ड्स इन ऑप्शन choices, योर जॉब इज़ वॉट योर जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड कि what's द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एज वेल लाइक देर आर फाइव वर्ड्स इन ऑप्शन choices, पाँच में से डेफिनेटली एक वर्ड करेक्ट होगा बट स्टिल यू आर लेफ्ट विथ फोर वर्ड्स तो आपका काम ये कि मैं उन चार शब्दों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करूँ पता नहीं किस क्वेश्चन में उसका फायदा मिल जाए तो अब जैसे हमने वोंट शब्द पीछे डिस्कशन में किया और उसका फायदा आपको यहाँ क्वेश्चन में मिल गया है तो ये अप्रोच आप लेके चलें अगर मान लीजिए आपने दस सिन के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए और हर एक क्वेश्चन के साथ पांच वर्ड थे तो एक्चुअली यू आर गेटिंग वर्ड्स टू लर्न फ्रॉम मैं ये नहीं करा कि उसमें से आपको सारे शब्द नहीं पता हो सकता उन पचास चॉइसिस में से यू आर अवेयर ऑफ थर्टी वर्ड्स बट स्टिल देर आर ट्वेंटी न्यू वर्ड्स एंड दैट इज योर जॉब टू लर्न दो न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरीज अरे I मैं mean, बार बार ये कहता हूं कि कोई भी शब्द दो से तीन डिक्शनरीज में देखो सो दैट यू कुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूसेज ऑफ दोज वर्ड यहाँ वोकैब यूसेज की बात कर रहे हैं एक शब्द के इतने रंग होते हैं ना कि किसी भी एग्जाम में आपसे कोई मतलब नहीं पूछ रहा है क्या यहां पे मतलब पूछा जा रहा है नहीं यहां पे आपके कॉन्टेक्स्ट की समझ को टेस्ट कर रहे हैं तो अब जब आप एक शब्द को कई रंगों में देखते हो उसके अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स अब देखो जैसे अक्विट का दो मीनिंग था दोनों मीनिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है फाउंडर जब नाउन है तो उसका मतलब संस्थापक है और फाउंडर जब वर्ब है तो उसका मतलब असफल हो जाना है लड़खड़ा जाना है अपने काम में फेल हो जाना है जिस दोनों शब्दों दोनों मतलबों का कोई लेना देना नहीं है दो अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल के लिए तो ये रंग आपको तभी पता लगेंगे जब आप थोड़ा सा समय डिक्शनरी में खर्च करेंगे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ही वॉज ओन टू रीड द पेपर एट ब्रेकफास्ट जैसे अभी हमने बात की कि सुबह सुबह के नाश्ते में भाई अखबार चाहिए तो इस चीज़ के वो आदती हैं यानी अकस्टम्ड हैं एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ बल बहुत प्यारा शब्द है इन एविटेबल परफॉर्मेंस कई बार रियलिटी शोज में जजेस जो है वो तारीफ में ये बात करते हैं वॉट एन इन एविटेबल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इज पार एक्सलॉ राइट सो इन एविटेबल इज अनबल भाई हमारी नजरें ही नहीं हटी आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी सो अन अवॉइडेबल इन एविटेबल इन एमड एमओ रूट वर्ड है लव के लिए

वो मतलब होता है इन का एन एंटर एमोर लब, पहले नजर में प्यार हो गया तो अट्रैक्टेड द सेंस एंड नाउ द वर्ड इन्योर्ड कौन बताएगा मुझे इन का क्या मतलब है इवन अगर आपकी वोकैबलरी सतही स्तर पे है ना तो आप शायद अकस्टमड और इन्योर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप सतही तौर पे पढ़ते हैं इफ योर स्टडीज आर सुपरफिशियल जैसे अभी uh, पे सपना वर्ड पूछ रही थी डाबलर डायलटॉन डाबलर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो इंसान किसी भी काम में सुपरफिशियल है दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग दैट एंड द पर्सन इज नॉट जेनुनली इंटरेस्टेड इन दैट थिंग उसको हम बोलते हैं डायलेटॉन डैबलर ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है तो अकस्टमड और इन्योर्ड में फर्क ये है कि दोनों आदती हैं दोनों आदती हैं लेकिन जो इनयोर्ड वाला शब्द आप इस्तेमाल करते हो वो स्किल इस्तेमाल करते हो जब कोई इंसान नेगेटिव चीज़ों के लिए आदती हो जाए यानी नेगेटिव चीज़ें इन द मतलब जो अनप्लेजेंट सिचुएशन हैंबिचुअल फॉर हार्डशिप्स अब जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन मैंने किसी क्लास में ही दो तीन दिन पहले कराया था वहां सोल्जर्स uh, का कॉन्टेक्स था सैनिकों की बात हो रही थी तो अब जाहिर तौर पर सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है वो हार्डशिप के लिए ही होती है उनको ट्रेन ही किया जाता है क्योंकि पता है कि भाई उनके प्रोफेशन के अंदर उन्हें हमेशा अनप्लेजेंट सिचुएशन का ही सामना करना पड़ेगा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए उनको ट्रेन करके उन हार्डशिप्स के लिए उन मुश्किल परिस्थितियों के लिए अकस्टम्ड बनाया जाता है हेबिचुअल बनाया जाता है कि उन्हें कोई मुश्किल ना हो किसी भी आपदा में वो अपने आप को संभाल सकें और चीजों को संभाल सकें तो ये मतलब है इनयोर्ड का तो इसीलिए मैंने कहा कि सुपरफिशियल नहीं रहना अगर आप ये पढ़ोगे इनयोर्ड भी सर हैबिचुअल होता है अकस्टम्ड भी हैबिचुअल होता है आदती होता है तो भाई अकस्टम्ड इज अ जनरल वर्ड बट इन इज स्पेसिफिक वर्ड हैबिचुअल होने के लिए कि जब आप बुरी परिस्थितियों हार्डशिप मुश्किल अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए आदती हो जाए आपने अपने आपको ट्रेन किया हो तो वहां हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पिछली बार कर लिए थे क्वेश्चन नंबर नाइन तक कर लिया था आइए क्वेश्चन नंबर टेन से शुरुआत करते हैं दस क्वेश्चन का टारगेट चालीस के करीब वर्ड्स आपको मिलेंगे शब्द है आपके पास टॉर्पिड एनिमल्स दैट हाइबरनेट बिकम टॉर्पिड इन विंटर और नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिम्प मेनी पेरेंट्स हैव टू कीप देयर चिल्ड्रेन इन स्कूल क्या लग रहा है गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवान Read out the sentence and tell me Chale, your time is up. इवन आपको वर्ड का मतलब नहीं भी पता है फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं था सेंटेंस को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया यहाँ पे सो so, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो यहाँ लिखा है एनिमल्स दैट हाइबरनेट बिकम टॉर्पिड इन विंटर टॉर्पिड का क्या सेंस है वो एक्टिव हो जाएंगे सेंसिटिव हो जाएंगे स्लगिश हो जाएंगे या रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे तो दो वर्ड तो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं एक्टिव और स्लगिश गिश का मतलब ये धीमा पड़ जाना एंड दैट्स द करेक्ट चॉइस ओवर हियर राइट तो टॉर्पिड का मतलब यहाँ पे स्लगिश के साथ ही लेना देना है और कुछ और बड़े प्यारे अच्छे शब्द यहाँ पे मुझे ध्यान में आ रहे हैं जो आपको जानने चाहिए टॉर्पिड के साथ कुछ वर्ड्स जो मिलते जुलते से आपको लग सकते हैं एक शब्द आता है टॉरिड आई थिंक टर्बिड तो खैर सभी को पता है एवरी वन इज अवेयर अबाउट द टर्बिडिटी ऑफ वाटर पानी का जो मटमैलापन होता है टॉरिड भी एक शब्द आता है और एक शब्द और है आपके पास टर्ड कितने लोगों को इन तीनों शब्दों का मतलब पता है आप देखो मैं इसीलिए बता रहा हूं ना क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं जैसे अभी आपने देखा तो थोड़े बहुत आपको मिलते जुलते कंफ्यूजन वाला एक सेंस ये दे सकते हैं एग्जाम के अंदर कैन एनी बडी टेल द डिफरेंस इन दीज वर्ड टर्बिट तो खैर सभी को पता है और टर्बिट एडजेक्टिव है इसी से आप बना लोगे टर्बिडिटी ऑफ वाटर पानी का जो मटमैलापन होता है तो यह तो यूसेस क्लियर है बाकी के शब्दों का क्या लेना देना है टॉर्पिट शब्द जो कि इस क्वेश्चन में था हमारे पास सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं टॉर्पिट शब्द का लिटरल मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो चीज स्लगिश हो जाए जैसे यहां पे मतलब लिखा ही है तो स्लगिश धीमा पड़ जाना जो एक तरीके से इनएक्टिव हो इनएक्टिव हो उसके लिए शब्द लेजी हो सकता एक है एकदम सुस्त पड़ जाते हैं जब वो हाइबरनेशन करते हैं या डॉर्मेंट एक शब्द आता है जो कि आप बैंकिंग में अकाउंट के साथ भी सुनते पड़ते हो कि ये डॉर्मेंट अकाउंट है यानी वो अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा और यहां पे रूट वर्ड के तौर पे डॉर्म इज द रूट वर्ड फॉर स्लीपिंग बड़े सारे शब्द आते हैं सबसे बेसिक शब्द तो है आपके पास डॉर्मेट्री जैसे रेलवे स्टेशन में डॉर्मेट्री होती है ठहरने के लिए राइट सो डॉर्म जो शब्द है वो सोने के लिए ही आता वहीं से आता है डॉर्मैंट अकाउंट ये एडजेक्टिव बन गया डॉर्मेंसी नाउन है डार्मिलोना, डार्माउस, बहुत तरह के शब्द यहां से बनते हैं दो रूट वर्ड आते हैं हमारे पास सोने के लिए एक तो डॉर्म है और दूसरा है आपके पास क्या एस ओ एम एन सोम सॉम का मतलब भी स्लीप होता है और एक और अच्छा शब्द बता दूं लगे हाथ बात हो ही रही है तो एस ओ पी से एक शब्द आता है हमारे पास सपोरिफिक Sporific, यही तीन रूट वर्ड्स हैं जिनका मतलब स्लीप के साथ जोड़ा हुआ है तो सोमन से तो आप बहुत सारे शब्द जानते हो जैसे हमारे पास है सामनोलॉजी uh, सामनोलिन मुझे नींद ना आए, so, बहुत सारे शब्द हैं आपको मेरे YouTube चैनल पे भी इससे जुड़े हुए बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी अब टर्जिट की बात कर लेते हैं टर्जिट शब्द कहां सुना है आपने टर्जिडिटी बिल्कुल शेयर करिए सेशंस को भाई पूरी क्लास के बाद करियर वे लैब पे ये मेहनत होती है आपके साथ तो इसका परिणाम तभी है जब आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करें हाँ जी अमितेश बताओगे आप टर्जिट टर्जिट का क्या मतलब है देखो टर्जिट का मतलब होता है सोलन जिसमें स्वेलिंग हो जाए और ये आप कनेक्ट कर सकते हैं ठंड के दिनों में गर्मी तो बहुत बढ़ गई है कई बार लोगों के पैर के अंगूठे जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है सूजन आ जाता है तो वहां पे ये शब्द आपको देखने को मिलता है प्लस लगा के लिख देता हूं इसका मतलब इस शब्द की जोड़ी इसके साथ बन जातीशन जिसे हो सो टर्जिट डोज शब्द है वो और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस है ना टू सीरियस तो उसमें भी आप यूज कर लेते हैं और कोई चीज अगर जरूरत से ज्यादा ियस हो जाती है तो वो बोरिंग हो जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वर्ड यूज होता है आप वो कैब यूसेस की क्लास में और यहां इन क्वेश्चन के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि आपको एक शब्द के जितने पॉसिबल रंग हैं वो आपको पता लगे और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है डिक्शनरीज को ढंग से पढ़ना अब जैसे हम अगर हम बात करें टॉरिड शब्द की तो टॉरिड के साथ एक वर्ड की जोड़ी बन जाती है कई बार टॉरिड लव अफेयर टॉरिड लव अफेयर इवन जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम में भी टॉरिड शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा कोई कनेक्ट कर पा रहा है कैसे ये शब्द का इस्तेमाल होगा टॉरिड अब टॉरिड जैसे मैंने कहा गर्मी के साथ कनेक्टेड है तो जो चीज बहुत गर्म हो वेरी हॉट एंड ड्राई उस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं तो अगर कहीं की आ, कहीं का जो वेदर है वो बहुत टॉरिड वेदर है या क्लाइमेट को अगर आप यूज कर रहे हो इस वर्ड को सो so, क्लाइमेट और वेदर का फर्क आपको पता है तो वहां पर टॉरिड का मतलब कि भाई वहां गर्मी बहुत है बहुत ड्राइनेस होती है मौसम के अंदर लेकिन जैसे मैंने कहा टॉरिड लव अफेयर जैसे आप फिल्मों में सुनते हैं और वो जो मसाले वाली मैगजीन होती है ना बहुत इस फिल्म में बहुत हॉट सीन है तो वो वाला आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज जो बड़ा स्टीमी सीन हो राइट उस कॉन्टेक्स्ट में आप टॉरिड का इस्तेमाल वहां पर करते हुए देखते हैं सो तो वहां पर सेंस यही हो जाता है कि किसी भी तरह के इमोशन को बहुत स्ट्रांगली आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो दूसरा मतलब निकल के आएगा वो यही आ जाएगा कि फुल ऑफ स्ट्रांग इमोशन कि बहुत पैशनेट दिखाई देने देर इज अ पैशनेट लव अफेयर बिटवीन टू पीपल राइट सो फुल ऑफ स्ट्रांग इमोशन ये भी है इस शब्द का मतलब तो जब आप पढ़ना शुरू करते ना तो अपने आप अब देखो ये वर्ड्स दिए नहीं गए थे क्वेश्चन में लेकिन ये वर्ड्स आपके लिए सौगात हैं कि भाई एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और वहां से इतने अमीर होके हम जा रहे हैं क्योंकि बाकी के सारे शब्द तो आसानी है एवरी वन इज अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स बट यू आर गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू विद द हेल्प ऑफ दैट वन वर्ड टॉर्पेड तो थोड़ा समय आप भी खर्च करेंगे अगला शब्द है स्क्रिम्ब आपको समझ में आ रहा है पढ़ करके कि मेनी पेरेंट्स हैव टू स्क्रिम टू कीप देयर चिल्ड्रन इन स्कूल यानी उन्हें अपना जीवन जो है वो फ्रूगैलिटी के साथ बिताना पड़ता है मित व्ययी होना होता है वो फिजूल खर्ची नहीं कर सकते बच्चों को स्कूल में रखने के लिए फीस आजकल इतनी महंगी है स्कूलों की ए करियर वेल लैब पे तो चीजें बड़ी सस्ती हैं बट इन जनरल तो बहुत महंगा है आजकल तो नर्सरी की फीस इतनी होती है ए बच्चा तीन साल का हो नहीं रहा तभी फीस बहुत है तो जब हम फ्रूगैलिटी की बात करते हैं फ्रूगल होने की बात करते हैं इसका मतलब क्या कि आप सोच समझ करके खर्च करते जिसको हम कहते हैं जुडिशियस स्पेंडिंग अब देखो जुडिशियस बोला तो ये दो शब्द भी और प्रकट हो गए बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड है जुडिशियल का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू जुडिशरी जबकि जुडिशियस का मतलब होता है समझदारी पूर्ण जुडिशियस डिसीजन इन शब्दों को हम कहते हैं पैरोम्स दोनों जे यू डी से ही पैदा हो रहे हैं बट आगे जाके इनका रूप बदल रहा है और मतलब बदल जा रहा है बाकी के शब्द तो खैर आसान है लग्जूरियट से ये शब्द अगेन मुझे ध्यान आ रहा है लग्जूरियस का मतलब सभी को पता है आज पहली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था बैंकिंग अचीवर्स बैच जो आया है आपके पास लग्जूरियंट सो लग्जूरियस का मतलब सभी को पता है फुल ऑफ लग्जरी लग्जूरियंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज हाईली फर्टाइल हाईली प्रोडक्टिव तो अगर आपका लग्जूरियंट हेयर है इसका मतलब आपके बाल जो है बहुत अच्छे हैं घने बाल है वॉल्यूमस हेयर है आपका उसको हम लग्जूरियंट हेयर कहेंगे या कहीं पे मैदान में घास है बहुत बरसात के महीनों में जैसे ग्रीनरी बहुत हो जाती है देर इज लश वेजिटेशन

बहुत सारे इसके सिनोनिमस वर्ड्स हैं हमारे पास पैंडेमोनियम की सिचुएशन है राइट right? कमोशन है सो द स्टम्पीडिंग कैटल कॉस्ड ग्रेट मेहम ऑन द रैच फटाफट बताओ क्वेश्चन जो है वो तो दस सेकेंड का है गिनर टू बैंकर मैं थोड़े कमेंट्स बड़े कर लूं तो आप कह रहे हैं सर आई एम फ्रॉम बैंकिंग स्पेशल टेन एंड ग्रेट एक्सपीरियंस थैंक यू व्हाट्स योर नेम राजू मॉन्डल माय बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट आप वहां पे डाल के देखोगे प्रैक्टिस बुक बाय सत्येंद्र तिवारी यू विल गेट दैट बुक सो दैट्स अ जनरल बुक वेरी गुड पुष्कर दैट इज टॉरिट जोन

उटर रिकमेंड का मतलब आप जानते हैं इंस्टिल करना बड़ा अच्छा शब्द है जिसे हम कहते हैं कि इंस्टिलिंग तो गुड है inculcate. मदन प्रजापति ओके okay, मदन तो मदन अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइए आपका एक्सपीरियंस इतना ग्रेट रहा बैंकिंग टेन में बहुत पढ़ा आप लोगों ने और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो आने वाले एग्जाम्स हैं अभी जुलाई अगस्त में शुरू होंगे उन सभी में आप सफलता प्राप्त करोगे तो इस नए बैच के बारे में भी बताइए लोगों को पता तो लगे कि करियर विल ऐप पे इतनी नॉमिनल फीस में इस लेवल का कंटेंट ऐसी पढ़ाई मेहनत कराई जाती है देश में बहुत जरूरत है बहुत सारे लोगों को ठीक है प्रज्ञा भी हैं बैंकिंग स्पेशल टेन बैच से ओके प्रज्ञा आई मिस्ड योर डेली क्लासेस सर कोई बात नहीं प्रज्ञा मैं इजिली यहाँ अवेलेबल हूँ सप्ताह में तीन दिन हमारी मुलाकात होती कि आप लोगों को मिस नहीं करने दूंगा मैं चलो एक होमवर्क देता हूं किसी को पता है तो यही बता दो और दोबल में क्या फर्क है जी एंड में क्या फर्क है बोथ द वर्ड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वॉट पैरोप्ट का मतलब अनादर होता है सभी को पता है कंटेम ऑफ कोर्ट जैसे आप सुनते हो कोर्ट की अवमानना करना और एंड इबल लगा हुआ है मीन वॉट बोध वर्ड्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव दर्ड्स क्या फर्क है थैंक यू थैंक यू बिगनर टू बैंकर मदन सो मेहम हाँ बताएंगे आप जरूर होमवर्क अगली क्लास में बताना अगर नहीं पता है तो और देखो मैं आपको बार बार कहता हूं कि यू नीड टू गेट इन टू देड स्पेस ऑफ द एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन बना रहा है वो भी तो इंसान है आपको मैं उस पर्टिकुलर जोन में डालने की कोशिश करता हूं अब यहां कंटेम्प्टेबल तो था नहीं ना लेकिन अगर कंटेम्प आया तो मुझे मन कर गया कि यार चलो थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं शायद इसके बहाने आप अलर्ट हो जाएंगे तो अगर ये अप्रोच आपने पकड़ लिया अपनी जिंदगी में जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेसिक्स आपके क्लियर हैं एंड लैंग्वेज इज ऑल अबाउट एक्सपोजर जितना पढ़ो जानो सीखो हमेशा कनेक्शंस डेवलप करने की कोशिश करोगे अगर मुझे शब्द मिल रहा है तो मैं जरूर देख लूँ कि भाई इनका क्या फ़र्क है क्या यूसेज है जैसे बहुत अच्छे अच्छा कॉलोकेशन का एग्जाम्पल दिया अमितेश ने टेट जोन नहीं पुष्कर ने दिया था तो वही है टॉरिट जोन यानी ऐसिया जोन जहाँ पर बहुत गर्मी हो जहाँ बहुत सूखा और ड्राई मौसम हो तो इससे अब आपके दिमाग में याद रहेगा और मैंने फिर दूसरा क्या बता दिया टॉरिड लव अफेयर तो टॉरिड लव अफेयर से तुरंत अब अब आपको वो वर्ड एक दूसरे चश्मे से आप देखने लग गए जैसे कहते हैं ना हॉट सीन्स थे इस फिल्म में या आजकल तो एक अलग तरह के डायरेक्टर भी होते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं उसको नाम मुझे भूल गया फिल्म में डाला है पहली बार आई थिंक जो अभी आई थी अमेजोन पर रिलीज हुई थी फिल्म एक उसमें उस डायरेक्टर को इन डाला गया जो खास तौर से इन तरह के सीन्स को डायरेक्ट करेंगे कि किस तरीके से अ, मेरे दिमाग से अभी वो वर्ड बिल्कुल ही गायब हो गया है गहराइयाँ मूवी है और मूवी का नाम तो याद आ गया अभी हो सकता है क्लास पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाए चलिए खैर मेहम का मतलब होता है जहां पूरी तरीके से उपद्रव हो शब्द हमारे पास आता है पैंडेमोनियम डेमो रूट वर्ड है जहां बहुत सारे लोग हैं और शब्द जैसे मैंने आपको बोला था कमोशन शब्द आता है कमोशन पैंडो पैंडेमोनियम अपहीवल शब्द है ये सब उठा पटक के लिए उपद्रव के लिए डिस्टर्बेंस के लिए ही इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और रेंच में एक्चुअली जो कैटल थे जो जानवर थे वो भगदड़ मचा दिए तो जाहिर तौर पर वहां एक मेहम का सिचुएशन यहां पे वायलेंस के अलावा कोई और शब्द नहीं आएगा ठीक है तो अब आप ये नहीं सोचोगे नहीं वायलेंस तो हिंसा होती है आ, यहां तो हम बात कर रहे थे मेहम की तो भाई वहां भी हिंसा ही हो रही है जानवर भागने, भागने लग गए लोग भागने लग जाए अगर कहीं भगदड़ मच जाए तो लोग घायल होते हैं उन्हें चोट लगती है तो दिए गए ऑप्शन में से अकेला ये शब्द है आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं gripe he was always griping about something and absurd. an alien must abjure foreign citizenship before becoming an american citizen what do you say my baby is 9 month old now and uh, वो ग्राइव वाटर पी रही है तो आपके घरों में भी जब छोटे बच्चे होते होंगे कहीं भी तो ग्राइव वाटर उन्हें पिलाया जाता है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो जब खास तौर से टीथिंग की प्रोसेस शुरू होती है बच्चों में दांत निकलने की तो फिर उनके पेट में गड़बड़ी शुरू होती है और उस गड़बड़ी को जो है मिटिगेट करने के लिए ग्राइव वाटर दिया जाता है ग्रिप नहीं है ये ग्राइव है प्रोनाशिएशन इज डिफरेंट राइट सो so, ग्राइपिंग का मतलब क्या है यहां पे ही वॉज ऑलवेज ग्राइपिंग अबाउट समथिंग यानी कंप्लेन करना ग्राइव वाटर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका पेट कंप्लेन कर रहा है पेट में दर्द हो रहा है राइट सो इवन ये जो शब्द है ना ग्रम्बलिंग right uh, तो जोड़ बनता है इसके साथ ग्रम्बलिंग स्टमक जब पेट में आपके गुड़गुड़ाहट होती है ना तो उसको ग्रम्बलिंग स्टमक कहते हैं सो so, ग्राइप वही कि वो हमेशा किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना ये मतलब है टू complain अबाउट समथिंग आपका पेट कंप्लेन कर रहा है सो टू कंप्लेन अबाउट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि देखो लिखने में फिर बहुत बड़ा हो जाता है टू कंप्लेन अबाउट समथिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट भाई उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है बाकी के सारे शब्द आसान है और यहाँ एलियन का मतलब जादू मत समझ लेना भाई ठीक है ना एलियन का मतलब परग्रही नो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है एलियन में आप देखो तो एलो रूट वर्ड है कराया हुआ रूट वर्ड है यह भी यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे देखना होगा देख लेना एलो एलि ये सब अदर के लिए इस्तेमाल होते हैं और अल्टर ये तीन रूट वर्ड है एल ई एलो एंड अल्टर इसका मतलब अदर होता है जैसे कपड़े में जब आप ऑल्ट्रेशन कराते हो तो कपड़े को चेंज कराते हो यानी कपड़ा जो था वो वो नहीं रहता या दो लोगों के बीच में जब वाद विवाद होता है एक दूसरे के साथ अदर के साथ तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरकेशन ऑल्टरेशन ऑल्टरकेशन एलोनिम एलो एलो तो बहुत सारे शब्द निकलते हैं। वहीं से शब्द आता है जो कि जुडिशरी के साथ जुड़ा हुआ है कि जब अपराध हुआ तो आप वहां नहीं थे कहीं अदर जगह पे थे तो वहीं से एलियन शब्द की भी उत्पत्ति हुई है जो कहीं और से है दूसरी जगह से तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि एन एलियन का मतलब कि अगर आप किसी और देश के रहने वाले हैं तो आपको उस देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा अमेरिकन सिटीजन बनने से पहले तो एब्जोर्व वही होता है और यहां पे दिए गए शब्दों में से रिनाउंस इज द राइट वर्ड इसका मतलब होता है त्याग देना बाकी के सारे शब्द आसान हैं बट वन इंपॉर्टेंट लर्निंग ओवर हियर रिनाउंस एंड रिनशन डू रिमेंबर द स्पेलिंग बिकॉज पीपल डू कमिट मिस्टेकिएशन इज नाउन एंड रिनाउंस इज वर्ब So in noun format you have N-U-N -N, and in verb you have N-O-U-N. And we have a couple of more words on the same line like pronunciation and pronounce. Denunciation and denounce. So all these words follow the same pattern. Because both pronunciation ki spelling pronunciation bolte. And that's the irony. <laughs> so uh, pronunciation is the right pronunciation and pronounce. So, ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन डायबोलिकल द पुलिस डिस्कवर्ड अ डायबोलिकल प्लॉट टू पॉइजन द सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इफ आई आस्क यू अंपल क्वेश्चन दैट जस्ट आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस वॉट डू यू फील दिस वर्ड डायबोलिकल इज पॉजिटिव और नेगेटिव वट इज योर कॉल आप मान लो आपको मतलब ही नहीं पता वॉट इज द मीनिंग ऑफ डायबोलिकल इतना तो अंदाजा लगा सकते हो ना कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है और उससे क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाता है What do you say? Diabolical is a negative word, absolutely, and the राइट चॉइस इज द विकेट दैट द ओनली नेगेटिव वर्ड आउट नॉट ओनली इनिमिकल इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड द लिटरल मीनिंग इज होस्टाइल एंड इफ समीनियस मीन्स वॉट सम वन इज प्रटी क्रिएटिव प्रटी इन्वेंटिव यू कैन रिलेट दिस वर्ड विद जीनियस एंड इसके साथ दो और कन्फ्यूजिंग वर्ड आते हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड दैट इज इनजेन्युअस इनजेनुअस एंड इंडिजिनस आई थिंक एवरी वन इज अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिजिनस इंडिजिनस मीन्स वॉट दैट इज लोकल नेटिव जबकि इन जेनुअस को आप याद रख सकते हो जेन्यविन के साथ जेनविन के स्पेलिंग में जी ई एन यू आई एन ई आता है और उस जेनु से आप रिलेट कर सकते हो और जीनियस तो आप रिलेट कर ही सकते हो यहाँ पे दैट इज जीनियस बट जीनियस के स्पेलिंग में आई यू एस होता है यहाँ इंजीनियस है तो इंजीनियस आदमी बड़ा जीनियस होता है बाकी के शब्द सारे आसान हैं डिबेस The nation's paper money was debased when the government printed more than it could back in gold. So, uh, cheapened, appreciated, uh, denominated, renominated. So, I think uh, it's pretty easy to figure out. Which option is with? A is the correct option over here. Cheapened. The nation's paper money was debased when the government printed more than it could back in gold. अब देखो अप्रिशिएशन शब्द का मतलब आप वैसे तो जानते हैं किसी को अप्रिशिएट करना तारीफ़ करना बट आपको पता है कि ये इस्तेमाल होता है करेंसी की भी कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आपकी करेंसी जैसे इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले अप्रिशिएट हो रही है यानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है और अगर डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी डप्रीशियेट हो रही है तो वहाँ पे उसका मतलब होता है कमज़ोर होना तो ये फर्क आपको समझना है क्योंकि ये जार्गन्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है डिनॉमिनेशन आप जानते हैं और रीनोमिनेटेड का अगेन कोई कॉन्टेक्स्ट यहां पे नहीं है पैराफेनेलिया अगेन अ वेरी गुड वर्ड माय पेरा माय पैराफेलिया आर रेडी टू बी शिप्ड। इट्स नॉट मे इट्स माई इट्स अ टाइपेर so my paraphernalia are ready to be shipped what is the meaning of the word paraphernalia a large number of personal articles gazettes wardrobe or furniture what do you think I suppose if you are uh, if you have a crew or you are a you know videographer are you belong to that kind of profession. There is a, then, then there is a whole crew of that. So if you are into videography, there will be camera and other related stuff. There will be a whole team. So paraphernalia has the similar sense, like large number of personal articles. That's the only correct option over here out of the given choices. So the literal meaning of paraphernalia is all the things needed for a particular activity. all the things needed for a particular activity all right that can be called in a combined uh, manner paraphernalia and the last two questions of the sheet कैपोर द जेवल थीप फुल्ड ऑफ अ बिग कैपर एट आर्ट म्यूजियम एंड ऑन सॉम्बल हर ड्रेस एंड कोट मेड एन अट्रैक्टिव ऑन सॉम्बल यू मस्ट हैम अक्रॉस द टर्म ऑन सॉम्बल लाइक ऑन सॉम्बल कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म ये सुना होगा आपने कहीं ना कहीं कैपोर का क्या मतलब है जेवल थीप्स की बात हो रही है चोरों की बात हो रही है बिग कैपर एट आर्ट म्यूजियम तो क्या किया उन्होंने भाई चुराया ही है चोरी की है रॉबरी की है उसके बाद कैच मी इफ यू कैन वाला मामला होता है यहां पे एक्चुअली सो so, कैपर का मतलब होता है कि एन इलीगल एक्टिविटी बट इलीगल प्लस एडवेंचरस दैट्स द रीजन आई सेट कि कैच इफ यू कैन है जैसे वो धूम फिल्म में था कि चोरी करके भाग जाओ और एक थ्रिलिंग एहसास आपको हो कि मुझे पकड़ के दिखाओ जैसे एक शब्द आता है चोरी के लिए आ, आपने जरूर सुना होगा क्लेप्टोमैनिया क्लेप्टोमैनिया और अपने बैचेस में मैं, मैं मैनिया की पूरी लिस्ट आपको देता हूं तो मैनिया जहां पे भी आता है वो पागलपन के लिए आता है और क्लेप्टो जो है वो चोरी के लिए सो क्लेप्टोमैनिया का मतलब क्या है कि एक ऐसा पागलपन जिसकी वजह से आप चोरी करते हैं यानी चोरी करने में आपको मजा आने लग जाता है एक थ्रिलिंग एहसास कि क्या बात है मुझे पकड़ नहीं पाए मुझे देख नहीं पाए तो इस तरह के ऑप्शेशन को क्लेप्टोमैनिया कहा जाता है और उस इंसान को क्लेप्टोमैनियक कहते हैं इवन क्लेप्टो के साथ क्रेसी वर्ड भी आता है क्लेप्टोक्रेसी सो so, क्लेप्टोक्रेसी हम यूज करते हैं एक भ्रष्ट तंत्र के लिए जो चोरों का तंत्र हो ऐसे मान सकते हो आप तो आ, किसी देश की जनता अगर पूरी तरीके से परेशान है बेहाल है क्योंकि वहां के जो शासक हैं उनकी शासन व्यवस्था सही नहीं थी जो रिसोर्सेज उस देश की जनता के लिए थे उसका गलत तरीके से मतलब इस्तेमाल हुआ दुरुपयोग हुआ और इसकी वजह से देश की जनता बुरे हालात में है तो ऐसे तंत्र को हम क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं बिकॉज सी आर ए सी वाई इज नथिंग बट अ रूलिंग पैटर्न यू डू नो डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी थियोक्रेसी नियोक्रेसी प्लूटोक्रेसी जेरेंटोक्रेसी राइट अरिस्टोक्रेसी वी हैव लॉड ऑफ वर्ड्स मोर देन फोर्टी फाइव फिफ्टी वर्ड्स वी हैव विद क्रेसी जिसका मतलब शासन का तरीका होता है तो खैर यहां पे करेक्ट वर्ड है आपके पास रॉबरी राइट स्पेक्टिकल भी अपने आप में शब्द है स्पेक्ट रूट वर्ड है देखने के लिए स्पेक्टिकल का वैसे मतलब होता है साइट और जब आप इसी में एस लगा लेते हो स्पेक्टिकल्स जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो स्पेक्स तो ये बन जाते हैं आपके पावर ग्लासेस सो डू रिमेंबर द डिफरेंस एक एस लगा देने से मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है इसी स्पेक्ट से स्पेक्टेटर स्पेक्ट्रम स्पेक्टेक्युलर ऑफ़ वर्ड्स वी गेट अब ऑन की बात हो रही है हर ड्रेस एंड कोट मेड एन अट्रैक्टिव फ्लैग अट्रेक्टिव ऑन सॉम्बल एंड है क्या लग रहा है यहां पे जब मैंने अभी ऑन कास्ट कास्ट एंड क्रू शब्द का इस्तेमाल किया था तो ये कंप्लीट के तौर पे इस्तेमाल होता है राइट अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑर पीपल अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑर पीपल टेकन एज अ होल अब जैसे जो मल्टी स्टारर फिल्में होती हैं ना उसमें वही कहा जाता है तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो सबको कंबाइंड मैनर में एक साथ हम ऑन कास्ट कह लेते हैं तो वही कास्ट इंसानों के लिए हो गया वहाँ पीपल और थिंग्स के लिए भी हो गया कि हर ड्रेस एंड कोट मेड एंड अट्रैक्टिव ऑन तो जाहिर तौर पर कुछ एक एक कपड़ा तो कोई पहनता नहीं है ड्रेस मटेरियल के अंदर बहुत सारे पार्ट हो गए तो इसीलिए कंप्लीट कॉस्ट्यूम यहां पे दैट्स द ओनली राइट चॉइस राइट सो विद दिस वी आर रैपिंग अप सेशन लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेंसडेट सेवन पी एम राइट एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन दैट क्लास आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है शर्मन शर्मा सर बैंकिंग टेन खत्म हो गया है मिस कर रहे हैं सर अब आगे नोट्स रिवाइज करें या वीडियो लेक्चर दोबारा देखें तो शर्मन वो आपकी कॉल है भाई आप देख सकते हो वीडियोज भी देखते रहो एंजॉय करते रहो बाकी यहां मुलाकात तो हो ही रही है ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन थैंक यू राहुल रवि रोहित शर्मन प्रज्ञा मदन बिगिनर टू बैंकर चलिए दैट्स ऑल लेट्स कैचअप ऑन फ्राइडे थैंक यू